हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्ज़ी। तो ये मैंने यहाँ पे कमल ककड़ी ली है, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसी में आलू रख दिए। पहले हम इन्हें बॉयल करेंगे, हमें इन्हें छीलना इलना नहीं है और हम इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब तक यहाँ हमें अपना पेस्ट तैयार कर लेना है। और ये मैंने लहसुन प्याज को छील के रखा हुआ है और हमें साथ ही लेने हैं 2 टमाटर, इनका भी पेस्ट बना लेना है। और ये यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्च और जीरा, इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है और फिर इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है। इन्हें धीमी आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे हम, नहीं तो ये जल सकते हैं। और ये देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी है। और यहाँ पे ये हमारे कमल ककड़ी भी बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें हमें छील लेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से छिल रहे हैं। और ये आलू को भी मैंने छील के रखा हुआ है। और देखिए इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। अब इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसके सारे रेशे ख़त्म हो जाएंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इन्हें हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये हमारे सीख चुके हैं कमल ककड़ी। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालना है तेज पत्ता और ये सूखे धनिए, ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, फिर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, इन सभी को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे करीब 5 से 10 मिनट तक। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटो प्यूरी। इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी कमल ककड़ी ऐड कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए मिक्स कर लेना है सभी को। मिक्स करने के बाद हम इनमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसे हमें 10-15 मिनट के लिए ढक देना है। 15 मिनट के बाद देखिए ये बहुत ही अच्छी से बन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गरम मसाले भुने हुए थे वो। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी कमल ककड़ी की सब्ज़ी। अब हम इसमें से थोड़ा मसाला ऊपर से भी ऐड कर देंगे। गरम मसाले से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।